नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपीएन न्यूज। आपके साथ मैं हूं वैशाली वर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर, तेल माफिया की खुलेआम गुंडई, असलहों के दम पर रुकवाया काम। शाहबाद हरदोई में यूं तो अपने फिल्मों में बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में माफिया के साथ असलहाधारियों को उतरते हुए गुंडई या गरीबों की जमीनों को कब्जा करते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन असल जिंदगी में आपके साथ या सामने इस तरह की घटना हो तो सोचिए कैसा लगेगा। जी हां, जनपद हरदोई के शाहबाद थाना क्षेत्र में ऐसे ही एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिससे नगर में दहशत का माहौल है। शाहबाद में एक तेल माफिया लग्जरी गाड़ियों में असलहों के साथ गुंडे लेकर जमीन पर निर्माण करा रहे व्यक्ति को रुकवाने वाली फिल्म अंदाज में पहुंचते हैं और बंदूक तान कर कहते हैं कि यदि निर्माण कराया तो जान की खैर नहीं। शाहबाद थाना क्षेत्र में आजाद ट्रेडिंग कंपनी के स्वामी गजोदर प्रसाद जबरिया भूमि को कब्जा करने की नियत से फॉर्चूनर व मर्सिडीज गाड़ियों के साथ कई असलाधारियों के साथ राइफल व पिस्टल लेकर खुद की जमीन पर निर्माण करा रहे अनिल कुमार पांडे की फिल्मी अंदाज में धमकाने पहुंचे और काम रुकवा दिया गया। पीड़ित के अनुसार तेल माफिया ने जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि यदि निर्माण किया तो तुम्हारा वंश तक नहीं बचेगा। पीड़ित परिवार इससे काफी भयभीत हो गया। उसने न्याय के लिए कोतवाली शाहबाद के नवनियुक्त कोतवाल सुरेश कुमार मिश्रा से जानमाल की सुरक्षा व दोषियों पर कार्यवाही की मांग करते हुए प्रार्थना पत्र दिया। ये आपकी जो जमीनी विवाद को मामला चल रहा है, इसमें क्या पूरी प्रकरण है और क्या हो रहा है? हमारी जमीन 59/26/1 है, जिसपे आजाद ट्रेडिंग कंपनी के मालिक जबरन निकास चला रहे हैं। कई बार इसके राजस्व विभाग से नाप भी हम करा चुके हैं और आश्वासन दिया कि हम हटा लेंगे, लेकिन वो लोग नहीं हटाते हैं। इस बार भी हमने तहसील दिवस में नाप कराई थी, नाप कराने के बाद चिन्हीकरण हुआ। कल हम अपनी नींव खुदवा रहे थे, विपक्षी गण के लोग फॉर्चूनर और एक गाड़ी मर्सिडीज थी UP 78 ED 9000, उससे असलाबंद लोग आए और जबरन हमारे साथ बदतमीजी की कि आप इस पर काम ना करें वरना अंजाम बुरा होगा। हमने उनसे कहा कि हम नाप करा चुके हैं। बोले नाप आप हम नहीं मानते हैं, ये डिपो की रास्ता बंद नहीं कर सकते हो तुम। हमने उनसे कहा कि सर अगर इसके बगल में जगह है आपके कुछ छोड़ दीजिए, लेकिन वो नहीं माने और हमारे सीने पर राइफल से डालते हुए, इसमें एक नाम अमित त्रिवेदी था, सज्जन मिश्रा थे, दिलीप मनीष, चार पांच और अज्ञात लोग थे जिनको हम चेहरे से पहचान भी सकते हैं। और हम दहशत में आ गए, हम डर गए, हमने थाने में प्रार्थना पत्र भी दिया है उन लोगों के विरुद्ध। अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, हमारा काम बंद है।